बिहार में 88 साल बाद दो भागों में बटे मिथिलांचल और कोसी के बीच सीधी ट्रेन सेवा शुरू हो गई है। 7 मई को झंझारपुर से आसनपुर कुपहा नई रेल खंड और पैसेंजर ट्रेन का रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका शुभारंभ किया है। इस रेल खंड पर ट्रेन सेवा शुरू हो जाने के बाद सहरसा से दरभंगा के बीच दूरी कम होने के साथ कोसी और मिथिलांचल के लोग ट्रेन सेवा से जुड़ जाएंगे। मिथिलांचल से कोसी क्षेत्रों में आने जाने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर है कि समस्तीपुर रेल मंडल ने इस नए रेल खंड पर डेमू शटल सेवा शुरू करने की भी योजना बनाई है। जो लोग रोज आवाजाही करते हैं उनको ध्यान में रखकर डेमू सेवा शुरू की जाएगी। इस मौके पर उद्घाटन करने आए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का क्या कहना है, सुनिए। आज कोसी नदी के दोनों तरफ स्थित हमारे लाखों भाइयों और बहनों को एक ऐसी सुविधा दे सकते हैं जो सुविधा आप सबके लिए बहुत वर्षों से आपकी एक डिमांड थी, बहुत वर्षों से आप सबकी एक इच्छा थी। तो आज ये ट्रेन जो चलेगी, ये ट्रेन के पीछे जो इतिहास है, इस इतिहास को आप सब अपने मन में रखें। इस मौके पर मौजूद डीआरएम आलोक अग्रवाल का भी क्या कहना है, ये भी सुन लीजिए। और इस रेलखंड के खुल जाने से दरभंगा, झंझारपुर, निर्मली, असनपुर कुपहा, सरायगढ़, सुपौल होते हुए सहरसा से एक कनेक्टिविटी बन जाएगी। तो इससे जो भी व्यक्ति जैसे सुपौल से दरभंगा आना चाहते हैं, सरायगढ़ से दरभंगा आना चाहते हैं, निर्मली से सहरसा जाना चाहते हैं, तो ये एक अच्छी कनेक्टिविटी बनेगी और इस क्षेत्र का अच्छा विकास होगा, मेरा ये मानना है। 1887 में निर्मली और भटियाही के बीच मीटर गेज लिंक बनाया गया था, जो 1934 में विनाशकारी भूकंप की वजह से ये रेल लिंक तबाह हो गया था, जिसके बाद से कोसी और मिथिलांचल दो भागों में बट गया। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि 6 जून 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कोसी मेगा ब्रिज लाइन परियोजन की आधारशिला निर्मली के एक कॉलेज में आयोजित समारोह में रखी गई थी। ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु 1.9 किलोमीटर लंबा है और इसके निर्माण में 516 करोड़ रुपए की लागत आई थी। इस रेलखंड पर बने कोसी महासेतु का पीएम नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2022 में लोकार्पण किया था। ये परियोजना 206 किलोमीटर लंबे सकरी लोकहा बाजार निर्मली और सहरसा फॉरबीसगंज आमान परिवर्तन परियोजना का भाग है। इस परियोजना की कुल जो स्वीकृति लागत है वो 1584 करोड़ रुपए है। झांझरपुर से आसनपुर कुपहा तक 38 किलोमीटर का कार्य 556 करोड़ रुपए की लागत से पूरी कर ली गई है। इसके बाद से कोसी और मिथिलांचल के लोग के बीच जल्द ट्रेन सेवा भी शुरू होने की उम्मीद जागी थी, वो सपना भी 7 मई को पूरा हो गया। समस्तीपुर से जहांगीर आलम की रिपोर्ट, बिहार तक।